अपने आप को मुसलमान लेबल लगाने से, नमाज का ये मोटा खट्टा लगाने से, इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ने से नहीं होता बाबा। बच्चियों की शादियों में जाके लपा लप खींचने से नहीं होता बाबा। खूब कुत्तों के साथ बैठ के रब रब ठीक चलो खाए सो खाए, वो चार खाने के ऊपर नाम भी लगाते, अरे वो बिरयानी में मिर्ची ज्यादा होगी तुम्हारी माँ के। अल्लाह तुम्हारे को हिदायत देने तो तुम्हारे को मौत दे दे, बच्ची का खाना खाते शादी का, तेरी शर्म आना। बायकॉट करो ऐसे लोगों का, कुत्तों को घरों से निकाल के फेंको, जायज मंगने वालों को, भिखारियों को भीख मंगे कि माँ के कुत्ते मारूं। अल्लाह हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं आपका दोस्त एम एस सरवर खान, सोशल वर्कर हैदराबाद। जहेज लेने और देने वालों के ऊपर अल्लाह की नालत हो और अल्लाह सुबहान व तआला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैं शादियों की अपील नहीं करता हूँ भाई, वो अल्लाह का बंदा शादनगर वाला बंदा मेरे को बहुत रो रहा था। एक बेटी का बाप होने के नाते उसकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैं जहेज का कभी बढ़ावा नहीं करा, मैं जहेज के वास्ते कभी वो नहीं करा। कुछ लोग मेरे को शादियों के वास्ते कॉल करे, हाँ सिर्फ यतीम बच्ची है तो मैं उनकी फेसबुक पे डायरेक्ट नंबर के साथ अपडेट कर देता हूँ। मेरे पास शादियों के वास्ते कोई मदद नहीं होती, ना मैं पर्सनली किसी की शादी में मदद करता हूँ। अगर कोई बेवा की बोलो मैं मदद करने के वास्ते तैयार हूँ, मुस्तहिक की बोलो अल्लाह के बंदों के वास्ते मदद करने को तैयार हूँ। मेरा नंबर अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों को ना दे। अभी एक साहब फोन करे, मेरी बच्ची की शादी है। अरे भाई भिखारियों को कहीं को देते अपनी बच्ची, आप बोलो मेरे को, भीख मंगों को मांगते हो बच्चियों को अपनी? भिखारियां हैं एक नंबर के भिखारियां, खुशी के नाम पे भी, खुशी के नाम पे पैखाना खिलाता हूँ खाते, खुशी के नाम पे दे दो, हमारे को दे रहे, हमारी बच्ची को दे रहे। अरे अल्लाह से डरो यारो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरने लगता तुम्हारे को जहेज मांगते हो खुद पे। हाँ वो बच्ची का बाप दुनिया का परेशान होता है बेचारा, वो शादनगर वाला है रो भाई, अल्लाह का बंदा दुनिया का, अरे दुनिया के बच्चियों की अम्मा है यहाँ पे आके रो रहे, अरे तुम अल्लाह से डरने लगता भाई। अरे बच्ची वालों को बोलो भाई पहले तुम हाई फाई होना ही हो, अरे वो बात की बात है यारो, पहले तुम अपने घर से तो स्टार्ट करो। क्या मालिक से डरने लगता तुम लोगों को? जहेज लेते खुद रूने का तुम्हारी? अरे भाई अल्लाह अल्लाह से एक मरतबा तो खौफ खाओ, अगर तुम किसी की बेटी के ऊपर जोरदार रहे खुशी से दे दो, मेरे को दे रहे तुम्हारी बच्ची को दे रहे, अरे थू थू ऐसे नौजवानों के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को आशिक रसूल बोलते जी, तुम हरगिज आशिक रसूल नहीं हो सकते। तुम जब तक कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो ना कर लो, तुम कहां से आशिक रसूल हो सकते बताओ मेरे को। मैं शादियों के पोस्टर नहीं करता हूं भाई, मेरे को मजबूर करते थे आगे पैरों पड़ते हैं। मैं अगर अपडेट करा मेरे पास कोई अमानत भेज, मैं अपनी पर्सनल तरीके से किसी की शादी में मदद नहीं करता। मैयत में बोले देखो कफन मरते कि मैं मेरे पास कफन तैयार होता है, मरते कि मैं किसकी भी मदद कर देता हूं। मेरे पास खुद कई यतीम बच्चे पल रहे मेरे पास में, तो अल्लाह से डरो नौजवानों। नानी बोले, खाला बोले, पुप्पू बोले, दादी बोले, इनू बोले, उनू बोले, ससुराल से क्या लाई, ये क्या लाई, अम्मा के घर सारे क्या क्या यार हो। अल्लाह कुरान करीम में सूरह निसा में तुम जैसे सूरह निसा की एक आयत पढ़ो तुम, ये कलाम अल्लाह में अल्लाह सुभान व तआला तुम्हारे को कहीं भी जहेज का जिक्र नहीं है। कुरान करीम में तुम्हारे वास्ते सिर्फ एक ही जिक्र है, वो है ए मुसलमानों, ए मोमिनों, तुम औरतों से निकाह कर अपनी जोजियत में ले लो और उसको महर देके अपनी जोजियत में ले लो। जब अल्लाह कुरान करीम में जहेज का कहीं जिक्र नहीं लिखे तो तुम खुशी के नाम पे भी कैसा मांगते भाई, किससे मांगते तुम? तुम लोगों को शर्म नहीं आती भाई? और मैं उन दौलतमंद लोगों को भी बोलूंगा, अरे भाई तुम्हारा अगर कुछ दे रही है अपनी बेटी को अपनी जायदाद में हिस्सा दो। कुछ भाइयों का कहना रहता शादी करके हम दे डाले आपका क्या हिस्सा, अरे भाई तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी नस्ल है, उन्हें कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने अगर उन्हें तुम्हारे से सवाल करिए परवरदिगार मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी, ये मेरा भाई है मेरा बाप, शादी करके दे दिया बाद रुखसत कर दिया, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी में से एक रुपया भी हिस्सा नहीं दिया, तो तुम कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देते हैं बोलो? तुम रुस्वा हो जाएंगे। अगर तुम्हारे को कुछ देना ही है अपनी बेटियों को अपनी प्रॉपर्टियों में हक दो बजाय जहेज के, और ऐसे नौजवानों के ऊपर अल्लाह की नालत हो। हाँ जलीलों को पानदान होना, गौलदान होना, लुंगी तक, लुंगी 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 बनियान तक सुसल वालों की मंगे बेकदर थू है जैसी जिंदगी के ऊपर तुम्हारे ऊपर। अरे रोजे आखिर का डर रखो, अपने आप को आशिक रसूल बोलने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जान देने वालों, तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? मैं नहीं लिया जायज, मेरे चार भाइयों को नहीं लिया ना, मेरे बेटियों को दिया मैं, मेरी बच्चियों को मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका हक दिया मैं जो उनका हक बनता था। और मरे बात कहीं को भाई, मरे बात कहीं को देते? जब अल्लाह तुम्हारे जिंदगी में दौलत दिया तो मरे बात कहीं को देते भाई? तुम अपनी वसीयत अभी बनाओ, हिबानामा बनाओ, जब का तभी बेटियों के वास्ते तुम अपना हक निकाल के दे डालो, कौन से बेटे पे भरोसा करते? तो ये मसला, ये पूरी कौम का मसला है। तो मैं उन तमाम नौजवानों से, बच्चों से, बूढ़ों से, जईफ लोगों से जो ये मेरा वीडियो देख रहे जैसो, वो लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे को शादियों के वास्ते कॉल्स मत करो भाई, मेरे को कहीं जेन्यून दिखा वाकई में बहुत रो रहे करे तो मैं अपडेट करके छोड़ दे, तो मेरे को अल्लाह से बहुत डर लगता भाई।
मैं अल्लाह से डर लगता बल्कि ये काम स्टार्ट करा, तो अल्लाह के वास्ते रहम खाओ अपनी बच्चियों के ऊपर, रहम खाओ और उनकी बच्चियों के ऊपर। अगर तुम तुम्हारी बेटी के वास्ते पसंद नहीं करते तो दूसरों की बेटियों के वास्ते भी जैसो रहम खाओ। बच्चियों से जहेज मंगना छोड़ो, खुशी के नाम पे भी मत लो। ये एक एक फार्मूला निकाली हम लोग, मेरे को नहीं दे रहे भाई, अल्लाह का दिया सब है हमारे पास। तो बा इतनी दौलत है, रखने को जगह नहीं है। आपकी बच्ची को खुशी से थू तेरी जिंदगी के ऊपर, खुशी से पैखाना खिलाते हो, खा दे तुम नहीं खाते। अल्लाह कुरान करीम में ये एक बार खोलो इसको फॉलो कर देना, इसके ऊपर ईमान है ना तुम्हारा, एक मरतबा खोलो इसको, खोल कर पढ़ो अल्लाह औरतों के साथ में क्या करो बोला और तुम क्या कर रहे हो। जहेज खुशी के नाम पे भी मंगना गुनाह है जी भाई, जहेज खुशी के नाम पे भी मंगना गुनाह है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। ये वीडियो को इंसान मेरे को मालूम है ये वीडियो शेयर नहीं होता, कहीं को जहेज लेने वालों की अक्सरियत ज्यादा इसलिए नहीं होता। अल्लाह सबको हिदायत दे। मैं एम एस सरवर खान, सोशल वर्कर, हैदराबाद तेलंगाना, मेरी ऑफिस राजेंद्र नगर, प्ले नंबर 241। तो बस खास करके मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि लोगों की इंसानियत जाके। नौजवानों अल्लाह से डरो, औरत से तुम एक मरतबा लेते लगाना पूरी जिंदगी है, एक मरतबा नहीं लेके मर्द बन जाओ यही तुम्हारे लिए काफी है। एक छोटी हदीस मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने बयान करूंगा, बड़ी मशहूर हदीस है। अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला का निकाह होता, वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र गुजर होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ की खुशबू महसूस करके बोलते कि अब्दुलरहमान आपने निकाह कर लिया, तो अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला बोलते हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज ही निकाह किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकायत नहीं करे, आजकल जो हमारे माहौल में चल रहा है दावत नहीं दिया मैं उसके घर को नहीं जाता, दावत नहीं दिया मैं सूरत नहीं देता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ शिकायत नहीं करे, वो सहाबी से बोले अल्लाह के नबी ए अब्दुलरहमान बिन औफ एक बकरी क्यों नहीं होती जुबा कर अपना वलीमा कर ली। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे जो जलील और खदर साहब।